ने कह दिया है कि तुम घर से एक कदम बाहर नहीं निकालोगी, और फिर भी अगर तुमने जिद की ना, तुम हमारा मरा मुंह देखोगी। तुम चलो, हम बाकियों को बुला कर लेके आते हैं। हाँ ठीक है। अरे ये देखो, करता धरता तो यही है। गुंजन, तुम मैदान अभी तक नहीं पहुंची? चलो हम चलते। पीला पान भैया, एक बनारसी पता लगाना। हाँ लगा देते हैं। भैया यहाँ कोई रैली होने वाली थी ना, काफी सन्नाटा पड़ा हुआ है। हाँ सुना तो हमने भी है भैया कि लड़के लड़कियाँ यहाँ इकट्ठा होंगे। वैसे एक बात बताऊं भैया, इस तरह की हजारों रैलियाँ यहाँ हुई पर क्रांति कभी नहीं आई। देश की हालत देखिए। ये लो पान खाओ साहब। शुक्रिया। उसमें वो यहाँ रैली यहीं पे होने वाली है। गुंजन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नीचे चलो आओ। वीरान पड़ा हुआ है, टाइम तो हो गया है ना। कौन आता है ऐसे किसी लड़की के कहने पे कि पर्चा पढ़ा और चले आए रैली में? ज्यादा लोग नहीं आए तो क्या हुआ, एटलीस्ट इतने तो आए हैं। आज कुंजल के कहने पर 10 आए हैं, कल उन 10 के कहने पर और 10 लोग आके हाथ बढ़ाएंगे। बूंद बूंद से बनता है सागर, और आज यहाँ सब लोग इसलिए मौजूद है क्योंकि हमें गुंजन, उसकी सोच, उसकी बातों पर पूरा भरोसा है, और जहाँ भरोसा होता है वहाँ सब कुछ मुमकिन है। हमेशा बड़ी लड़ाई के पहले कदम छोटे ही होते हैं। चरणों में समर्पित करना ही सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि ये दीन दयालु हैं, कोई ना कोई हल जरूर निकालते हैं। गुंजन बेटा, जो सवाल तुम्हारे मन में उठ रहे हैं ना, हमारे मन में भी उठ रहे हैं, साथ में गुस्सा भी है कि कभी कुछ बदलेगा भी, या पीढ़ी दर पीढ़ी वही दुख दर्द वही अन्याय सहते रहना पड़ेगा। लेकिन फिर भी बेटा,
भगवान में आस्था रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही रास्ता दिखाते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। बोलो, रखोगे ना? कभी हिम्मत नहीं हारोगे? जैसी बेटी वैसी मौसी, जिसको देखो बस गुंजन को शह दिए जा रहा है। कहाँ है सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात है, आपने सही कहा था, 10 से ज्यादा लोग आने वाले हैं। गाइस, एक बात तो माननी पड़ेगी, गुंजन में बड़ा ही दम है। उसकी राइटिंग इतनी इंस्पायरिंग है, उसकी बातें सुनकर मैं अपने घर वालों से झगड़ कर आई हूँ। उसने कम से कम हम सब की आवाज को एक करने की तो कोशिश की। दैट इज रियली समथिंग, हम सब उसे सपोर्ट करने यहाँ आए। गुंजन, तुम्हें कुछ भी करके यहां आना ही होगा। हेलो हेलो, बोलिए प्लीज। पता नहीं कौन है जो बार बार फोन कर रहा है सुबह से, और बोल भी नहीं रहा। चलिए मौसी। उफ, ये गुंजन फोन क्यों नहीं उठा रही है? हेलो पापा, गुंजन कहाँ है? उसे प्लीज कहिए कि यहाँ पे फौरन आ जाए। मयंक, तुम हाँ मयंक बोलो। देखिए पापा, प्लीज गुंजन को यहाँ भेज दीजिए। उसे कहिए कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन लोग यहाँ पे आना शुरू हो गए। यहाँ का नजारा देखने लायक है पापा, गुंजन यही तो चाहती थी। पापा, सब लोग उसके कहने पे आए उसके लिए, और जिसे देखो यही पूछ रहा है कि गुंजन कहाँ है, गुंजन कहाँ है। प्लीज पापा, शी हैज टू कम। उसे कुछ भी करके यहाँ पे भेज दीजिए। मयंक, तुम जानते हो ना, इस बार गुंजन सीमा से पूछे बगैर घर से बाहर नहीं निकलेगी, और अपनी माँ का ऑर्डर तुम जानते हो, उसका मन बदलना असंभव है। तुम ही बताओ क्या करें।
हेलो हेलो माइक सुनो, एक तरीका है। मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो आप। जी पापा मैं समझ गया, मैं थोड़ी देर में फिर फोन करता हूं। हाँ अरे कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर, चलो हम लोग भी निकलते हैं यहाँ से। अरे मैं तो कहता हूँ ब्लॉग लिखना बहुत आसान है, मैदान में सामने आना बहुत मुश्किल। देखो वो डर गई होगी और क्या। भैया ऐसा ना हो जाए कि ये लोग कुछ देर में चले जाए, हम वैसे क्यों ना स्टार्ट करें जैसे गुंजन ने प्लान किया था। गुड आइडिया रचना, लेट्स गो। आओ क्यों नहीं, तुम और तुम्हारी बहन बाकी सब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं भी इस कॉज में सपोर्ट करना चाहता हूं। रचना मैं तुम्हारे साथ हूं, आई एम प्राउड ऑफ यू। साथियों यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। रियली आप में से हर एक का आना बहुत मायने रखता है। गुंजन बस थोड़ी देर में आती ही होगी, तब तक हम उसका एक संदेश देना चाहते हैं, तो शुरू करते एक छोटा सा प्ले। आए हाय चिकनी, मखमल जैसे गाल, रेशम जैसे बाल। अरे क्या कर रहे हैं ये लोग, पागल हैं क्या? ओए होए चिकने, कहाँ जा रहा है अकेले अकेले? अरे ये सब क्या है, आप लोगों के घर में भाई नहीं है क्या? हटिए यस है ना, लेकिन आपके जैसे नहीं। सुन सुन, आप ये सब गलत कर रहे हैं, कि तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? अरे हमें क्यों शर्म आई है, शर्म तो आपको आनी चाहिए। शादी कर लो ना हमसे। हाँ, फिर एक घर बनाएंगे। प्लीज मुझे घर जाने दीजिए, हटिए। अरे अरे इतनी रात को वो भी अकेले, लड़कों को इतनी रात अकेले, वो भी इतनी टाइट जींस में। अच्छा मेरे गाड़ी में पहचा, अच्छा मेरे गाड़ी में, वरना मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। ओके समझ में आया क्या होती है एक लड़की की बेइज्जती, उसकी मजबूरी, उसकी आजादी पर रोक टोक। कितनी बेइज्जती महसूस होती है, कितनी घुटन होती है जब एक गैर लड़का एक लड़की पर गलत नजर से देखे, उसे हाथ लगाए, उसे छुए। हेलो
माँ प्लीज कुछ भी करके गुंजन को जल्दी से यहाँ भेज दीजिए, बहुत अर्जेंट है। अरे तुमसे हजार बार कह चुके हैं ना बेटा, चाहे जमीन आसमान एक हो जाए लेकिन गुंजन उस मोर्चे में नहीं आएगी तो नहीं आएगी, सुन लिया ना? देखिए माँ आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे काफी सारे लोग आ गए हैं, वो भी गुंजन के बुलाने में, उसके लिए आए। तो हम क्या करें? अरे हमसे पूछकर उन लोगों को बुलाया था क्या? बिलीव मी माँ, ये लोग मुझे धमकी दे रहे हैं कि अगर गुंजन यहाँ पे नहीं आए ना तो ये लोग घर पे चले जाएंगे। माँ पथराव कर सकते हैं, घर पे धावा बोल सकते हैं, बात बहुत बढ़ जाएगी, प्लीज बात मानने की कोशिश कीजिए। पथराव घर पे आ जाएंगे? क्या हुआ, पथराव कौन करेगा? देखिए माँ, यहाँ पे कोई तो कह रहा था कि गुंजन का हस्बैंड उसे नहीं आने दे। माँ ऐसे में वो मुझ पे, आप समझने की कोशिश कीजिए माँ, प्लीज उसे भेज दीजिए यहाँ पे। क्यों इतनी बात बढ़ा रही? राम कहीं, सीमा हमारी बात सुनो, अगर वो सब लोग यहाँ आ जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, तो मयंक और रचना वहाँ अकेले हैं। अब देखो तुम ही तय कर लो क्या करना है। माँ माँ मेरी बात सुन रही है ना? हाँ बेटा, हाँ सुन रहे हैं हम। सुन रही है ना? देखो देखो तुम्हारी वजह से हमारे घर पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अरे बड़ा शौक था ना तुम्हें चली थी नेतागिरी करने, यही थी दिखाने के लिए। माँ प्लीज बात समझने की कोशिश करो माँ, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। प्लीज गुंजन को भेज दो ना, क्यों इतनी जिद कर रही हो? अब खड़ी क्या हो यहाँ पर, जाओ। अरे जो शुरू किया है खत्म भी तुम ही करोगी ना, जाओ। इसे जाने दे रही हो तुम? जाओ जाओ बेटा। प्लीज मत जाइए, बस कुछ 5 मिनट में आ जाएगी। अच्छा, कब से यही डायलॉग सुना रही हो हमको, कब आने वाली है? बारिश का इंतजार कर रही है क्या तुम्हारी गुंजन? ये पता होता ना हम यहाँ पर आते ही नहीं। ये तुम लोग देख क्या रहे हो? जाओ जाओ सर, पोस्टर निकालो, चलो चलो। आप लोग प्लीज मत जाइए, बस एक मिनट सब रुक जाइए, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। आज हम यहाँ सब क्यों इकट्ठा हुए, किस मकसद से इकट्ठा हुए हैं? क्योंकि हम सबको हर लड़की की सिक्योरिटी सेफ्टी की चिंता है कि नहीं, बोलिए। लेकिन आप लोगों को देख के मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ है। कभी आप लोगों ने सोचा है, जब भी ऐसा कोई हादसा टीवी पर दिखाया जाता है तो हम सब क्या सोचते हैं? अरे ये तो किसी और के साथ हुआ है, हमारे साथ तो हो ही नहीं सकता, किसी और की बीवी है, किसी और की माँ है, किसी और की बेटी है। नहीं, हम अलग नहीं है, किसी के साथ भी ये सब हो सकता है। ये मयंक है, गुंजन का हस्बैंड। मैं गुंजन के साथ साथ इसकी भी तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि इसने अपनी बीवी को सपोर्ट किया है इस कैंपेन के लिए, इस कॉज के लिए, पूरी दुनिया के सामने आकर इस नाइंसाफी से लड़ सके। आप लोगों में ऐसे कितने मर्द हैं, कितने लोग हैं जो अपनी बीवी को आगे करेंगे? हाँ जवाब दीजिए। सपोर्ट कर रहे हो तो बीवी को सामने लाओ ना, घर में क्यों कैद किया हुआ है? चलो यार, बहुत भाषण सुन लिया, चलो चलो। अरे आप रुकिए तो सही, बात तो सुनिए। अच्छा छोड़िए सर, आप तो रुक जाइए। बॉस मुझे और भी स्टोरीज रिपोर्ट करनी है, ये वाली फिर कभी कर लेंगे। अरे लेकिन सर बात तो सुनिए, दो